अगर मैं कहूँ कि किसी को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता या बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दिखने वाली ये बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और ट्राई करना पड़ेगा, और 100% आई एम श्योर कि यू विल अप्रिशिएट नॉट जस्ट किचन बाय नूतन दत्त। दो शिमला मिर्च लिए हैं और इसे चुटकियों में काट लेना है क्योंकि हमें बड़ा बड़ा काटना है। तो बिल्कुल ऐसे ही चौकोन चौकोन काट लीजिए, और दो शिमला मिर्च मतलब करीब करीब 2 कप होता है, और 2 छोटे प्याज लिए हैं, और प्याज को काटने में भी ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, इसे भी ऐसे ही चौकोन चौकोन डाइस कर लेना है। शिमला मिर्च हमने धोकर काटे थे, प्याज भी हमने धोकर काटा है, तो शिमला मिर्च इसमें डालेंगे, प्याज इसमें डालेंगे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप तीखी लाल मिर्च डालना चाहें तो आप वो भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मूंगफली को सेक कर, इसे हमने चूरा करके रखा था, इसे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। नमक तो आपको भूलना नहीं है, और सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिला लेना है। अभी हमने गैस पर इसे चढ़ाया नहीं है, सिर्फ इसे मिला लेना है। अब एक छोटी सी तैयारी और करनी है। 1/2 कप मैंने दही लिया है, घर की ही ताज़ी गाढ़ी दही है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें हम 1/2 कप पानी और डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। चलिए अब पैन चढ़ाते हैं, और पैन में मैं डाल रही हूँ तेल। अगर आप कुकिंग के लिए बिल्कुल न्यू है तो आई विल सजेस्ट कि आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में हम मूंगफली का यूज़ कर रहे हैं तो मूंगफली नीचे थोड़ी सी चिपकने से लगती है, तो इसलिए आप नॉनस्टिक पैन लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 हरी मिर्च काटकर और थोड़ा सा हींग, और इन्हें हम थोड़ा सा 1/2 मिनट पका लेंगे, और इसके बाद जो शिमला मिर्च प्याज हमने मिला कर रखा था उसे यहाँ डाल देंगे, और करीब 2 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भूनेंगे ताकि शिमला मिर्च और प्याज थोड़े भुने से हो जाएं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो शिमला मिर्च हमारा भुन चुका है, नॉनस्टिक पैन लेंगे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसे आप बना सकते हैं, और अगर आप दूसरी स्टील की कढ़ाई या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि नीचे मूंगफली चिपके नहीं, आपको इसे कांस्टेंट चलाते रहना है। और 2 मिनट बाद इसमें अब हम जो हमने दही को डाइल्यूट करके रखा था उसे डाल देंगे, और दही डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। एक छोटी सी बात आपको याद दिला दे रही हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे को आता है मेरा कुकिंग वीडियो, और फ्राइडे को आता है मेरा एक ट्रैवल वीडियो, और सभी वीडियोस मैं बहुत दिल से बनाती हूँ, और मुझे लगता है कि आपको भी इसे देखने में दिल से खुशी होगी, तो देखना मत भूलिएगा नॉट जस्ट किचन बाय नूतन दत्त। और बस अब इसे हमें ढक देना है और करीब 7-8 मिनट तक इसे हमें कुक होने देना है, जब तक ये दही सूख ना जाए और ग्रेवी इस तरह की खूबसूरत सी दिखने ना लगे। कैसी लगी? बहुत अच्छी ना? तो बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कुक भी हो तो सुबह जब टिफ़िन बनाने की हड़बड़ी रहती है ना, तो उस समय आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। और अगर आप न्यू हैं तो भी ट्राई करना, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई की कि नहीं, और आपको इसे बनाने में कितना समय लगा, और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं। साइनिंग ऑफ, और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।